हेलो फ्रेंड्स, हेलो फिश कीपर्स। आज हम वापस से फिश लवर्स एंड पेट लवर्स जयपुर पे आ गए हैं। हेलो मैम। फ्रेंड्स, आज हम एक मैम के साथ एक सीरीज़ क्रिएट करने वाले हैं वीडियोस की, जिसमें मैम हमें उनके पास जो नॉलेज है, कैसे फ़िश एक्वेरियम को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे फ़िशेस को रखना चाहिए, क्या फीडिंग करनी चाहिए, एक हम पूरी सीरीज़ क्रिएट करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि नए जो बिगनर हॉबिस्ट होते हैं उनको अपना नया एक्वेरियम कैसे चालू करना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट अ न्यू एक्वेरियम फॉर न्यू बिगनर हॉबिस्ट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो है, जिसमें हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू एक्वेरियम। बहुत सारे कस्टमर्स की क्वारीज आ रही हैं इसके ऊपर कि हम एक नया एक्वेरियम लेके आते हैं, न्यू एक्वेरियम परचेज़ करते हैं, दो तीन दिन में ही दो तीन फिशेज मर जाती है, या विद इन अ वीक पूरा एक्वेरियम ही खाली हो जाता है, डेली एक एक फ़िश मरना स्टार्ट हो जाती है। ये समय बिगनर्स के लिए बहुत एक टिपिकल टाइम होता है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि फ़िशेज़ मर रही हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनके मरने को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। कई एक्वेरियम्स तो इस कारण से बंद भी हो जाते हैं। तभी हमने सोचा कि इस टॉपिक को लिया जाए कि एक बिगनर को अपना एक्वेरियम स्टार्ट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज पूरा हम इस चीज़ को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पहले हम एक बॉल खरीद लेते हैं, पूरा एक बड़ा एक्वेरियम रन करने से बेटर है कि पहले हम बॉल के अंदर अपना एक्सपीरियंस करें। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये एक बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बहुत रॉन्ग सोच है, क्योंकि एक छोटे बॉल में आप एक्वेरियम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। उसका मेन कारण है कि उसके अंदर पूरा सिस्टम ही नहीं होता है, ना ऑक्सीजन, ना फिल्ट्रेशन, ना हीटर, ना लाइट सिस्टम, कुछ भी नहीं रहता है, तो फिश कैसे उसमें सर्वाइव करेगा। इसलिए प्रॉपर एक एक्वेरियम परचेज़ कीजिए। घर में आपने जो भी स्पेस, या ऑफिस में जहाँ भी आपने उसके लिए जो भी स्पेस आपने प्लान किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी साइज़ का आप एक्वेरियम ले सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप छोटा लें, बड़ा लें, मीडियम लें, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एक्वेरियम लीजिए। उसको आपको कैसे स्टार्ट करना है, मेन ये टॉपिक है। जैसे ये आपके सामने एक 2 फीट का एक्वेरियम हमने रखा है, ये 2x1x1.25 का एक्वेरियम है, एक आइडली मीडियम साइज़ का एक्वेरियम हमने लिया है इस चीज़ के लिए। अब इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक्वेरियम के फिल्ट्रेशन सिस्टम पे वर्क करेंगे। आपको एक्वेरियम में कैसा फ़िल्टर लेना चाहिए, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है, बिकॉज फिल्टर इज़ द हार्ट ऑफ एन एक्वेरियम। अगर आपका हार्ट ही ठीक नहीं होगा तो एक्वेरियम प्रॉपर रन ही नहीं हो सकता है। इसका मेन कैलकुलेशन इस तरीके से रखा जाता है, आपका एक्वेरियम में जितना लीटर पानी आता है उसका 4 times लीटर पर आर के अकॉर्डिंग आपको फ़िल्टर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका 50 लीटर्स का अगर एक्वेरियम है तो उसमें आपको 200 लीटर पर आर वाला फ़िल्टर लेना चाहिए। और सिस्टम अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपका पानी 4 times उस फिल्टर में से क्रॉस हो जाना चाहिए विद इन 1 hour। ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन है। अगर आपका फ़िल्टर प्रॉपर होगा तो आपका एक्वेरियम बहुत अच्छा रन होगा, नीट एंड क्लीन रहेगा और प्रॉपर आपकी फ़िशेज़ हेल्दी रहेंगी। ये फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट है। सेकंड, हमें पानी की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, पानी को कैसे साइकिल करना है, ये एक बहुत मेन पॉइंट है। कोई भी एक्वेरियम स्टार्ट करने से पहले उसके पानी को साइकिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके 2 तरीके हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो आप लोगों के लिए। एक तो पाउच फॉर्म में आता है, जैसे इसमें ये API का बायोमीडिया है। इस बायोमीडिया में प्रॉपर ये किट है जिसमें बायोमीडिया भी दिया हुआ है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी आपके लिए। वाटर केयर 4+ के नाम से इसमें आपको सैशे फ्री मिलता है। जैसे आप ये देखिए, पूरा मैं आपके सामने इसको रीओपन कर रही हूँ, ये प्रॉपर एक सैशे मिलता है इसमें आपको, और प्रॉपर बायोमीडिया है इसके अंदर। ये बैग भी, नेट बैग इसके अंदर दिया हुआ होता है, इसको आप खोल के इस बैग को पूरा फाड़ के इसमें पूरा फिल कर लीजिए। पूरा फिल करने के बाद फ़िल्टर के टॉप के ऊपर जो एक प्रॉपर इन्होंने बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर प्रॉपर आप इसको प्लेस कर दीजिए, ताकि पूरा वाटर इसके थ्रू होके जाए, फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो, तभी बैक्टीरिया इसके अंदर कॉलोनाइज हो सकेगा। इसके अंदर 4 छोटे पाउचेज होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। आपको 1.5 mug ऑफ वाटर लेना है, 4 sachets उसमें खोल के डाल देना है और उसको प्रॉपर मिक्स करके पूरे एक्वेरियम में स्प्रेड करके अच्छे से उसको डाल दीजिए, पूरे पानी को जो आपने इसका मिक्सचर बनाया है। उसके बाद फिल्ट्रेशन सिस्टम आपका ऑन रहेगा। एक बार तो आपको देखने से लगेगा कि जैसे पूरा पानी बिल्कुल गंदा हो गया है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक कलर का मडीसा लगेगा आपको पानी।
उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक फिल्टर आप अपना ऑन रखेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल और प्रॉपर उसमें एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया कॉलोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 5 दिन तक आप कोई फिश के अंदर उसके अंदर नहीं डालेंगे, न्यू फिश कोई भी फिश नहीं लेके आएंगे अपने एक्वेरियम के लिए। 4 to 5 days के अंदर प्रॉपर आपका बैक्टीरिया, जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो आपके फिल्टर के अंदर प्रॉपर कॉलोनाइज हो जाएगा और प्रॉपर पानी साइकिल हो जाएगा। एक तो ये प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करने का। अगर आपको सेम डे अपना एक्वेरियम स्टार्ट करना है तो इसके लिए ये एक लिक्विड फॉर्म में भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया आता है। अगर आपको सेम डे एक्वेरियम लेके आना है, उसी दिन सेम डे आपको फिश डालना है, तो आप ये उसमें डाल सकते हैं। आप देखिए माइक्रोलाइफ S2, ये लिक्विड फॉर्म में बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि 4 to 5 days तक रेगुलर आपको उसमें डालना है। वेरी फर्स्ट डे आप इसका एक लिमिटेड क्वांटिटी, इसके ऊपर पूरा मेंशन किया हुआ है बोतल के ऊपर, उतना क्वांटिटी आप अपने एक्वेरियम के अंदर डालिए और अपना फिश उसमें शिफ्ट कर दीजिए। 4 to 5 days तक आप रेगुलर इसका एक लिमिटेड क्वांटिटी उसके अंदर डालेंगे और आपका प्रॉपर पानी साइकिल हो जाएगा और इसका बैक्टीरिया फिल्टर के अंदर प्रॉपर कॉलोनाइज हो जाएगा। और जब कॉलोनाइज हो जाएगा तो आपका फिश हेल्दी रहेगा और कोई फिश डैमेज नहीं होगा, पानी पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा और फिश के लिए प्रॉपर हेल्दी वाटर होगा। तो जो प्रोसीजर आपको ठीक लगे आप उसको थ्रू जा सकते हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म चाहे पाउडर फॉर्म। इसमें सबसे पहले आप जिस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी साइज़ का आप एक्वेरियम लाएंगे, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको थर्मोकोल के ऊपर आप रखेंगे। बिना थर्मोकोल के एक्वेरियम को नहीं रखा जाता है, अदरवाइज़ उसके बेस क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे बॉल लें, चाहे एक्वेरियम लें, किसी भी साइज़ का लें, आप हमेशा उसको एक थर्मोकोल के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट आप अपने एक्वेरियम को उस पर प्लेस करने के बाद उसको प्रॉपर डेकोरेट कर लीजिए। जो भी एक्सेसरीज आप उसमें डालना चाहते हैं, जो भी सब्सट्रेट डालना चाहते हैं, स्टोन्स हैं या प्लांट्स हैं, एक्वेरियम टॉयज़ हैं, फ्लोटिंग टॉयज़ हैं, डेकोरेटिव टॉयज़ हैं, कोई ऑक्सीजन के सिस्टम्स हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर उसको डेकोरेट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ओवर क्राउडेड अपने टैंक को नहीं करना है, क्योंकि फ़िश को उसमें रहने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए डेकोरेट करें कि उसमें फ़िश को रहना है और उनको प्रॉपर उसमें एम्प्टी स्पेस मिले, उनको डेवलप होने के लिए भी स्पेस मिले। इसलिए उसके अकॉर्डिंग एक्वेरियम को डेकोरेट कीजिए, सुंदर भी लगे और फिशेस को भी उसमें रहने के बाद हेल्दी फील हो। सेकेंड, आप उसके अंदर पानी की क्वालिटी को आप कैसे मेंटेन करेंगे, मैंने उसका पूरा साइकिल का प्रोसीजर आपको बताया, लिक्विड के थ्रू या पाउडर के थ्रू, जो आपको ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड आपका पॉइंट है कि पानी के अंदर ऑलमोस्ट क्लोरीन रहता है, तो इसके लिए एंटी क्लोरीन रिमूवर आते हैं लिक्विड फॉर्म में। आपको पानी के अंदर पानी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर भी पूरा इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कीजिए जो इसके ऊपर दिया रहता है, आपको ये ज़रूर डालना है पानी के अंदर, ताकि आपके पानी में क्लोरीन ना हो। अगर पानी में क्लोरीन होगा तो आपका फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरीनेटेड वाटर में फिश सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्ट्रेस सील, ये भी आपके फिशेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एक नया फिश एक्वेरियम में ऐड करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो स्ट्रेस सील का भी यूज़ करना उसमें बहुत ज़रूरी है। इसका भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, क्वांटिटी कितने गैलन ऑफ वाटर में, कितने लीटर्स वाटर में आपको कितना डालना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बॉटल पे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो कीजिएगा। इसके बाद आपको पानी की क्वालिटी आपकी पूरी मेंटेन हो गई है, जब आपने उसको कॉलोनाइज कर दिया, बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो गया आपका, साइकिल हो गया प्रॉपर, एंटी क्लोरीन हो गया उसके अंदर, स्ट्रेस सील हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको फिश इसमें कैसे, कौन सी ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है। फ़िश का हमेशा आप ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में आप बहुत कम फिश अपने एक्वेरियम में ऐड कीजिए। फॉर एग्जांपल, ये 2 feet का एक्वेरियम है, इसमें 5 fish से ज़्यादा आप ऐड नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे जब आप, सिर्फ 5 fish लेके आइए। उसकी शिफ्टिंग का भी एक प्रोसीजर है, उसकी कौन सी फैमिली होनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर आपको फैमिलीज के बारे में बताया कि कौन सी फ़िश किसके साथ फैमिली रहे, किसके साथ रहती है, कौन फाइटर ग्रुप है, ये मैंने प्रॉपर उन वीडियोज़ में बताया है। अगर आपको इससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप फिश को शिफ्ट कैसे करेंगे। आप फिश जिस भी स्टोर से आप लेके आएंगे, फिश को एक पॉली बैग में ऑक्सीजन करके दिया जाता है, आप उसको प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करके डालेंगे। फिश बैग को बिना खोले आप अपने एक्वेरियम के अंदर डाल दीजिएगा, लिड खोल के एक्वेरियम के अंदर छोड़ दीजिएगा बैग को। हाफ एन आवर के लिए वो बैग उसमें फ्लोट करता रहेगा, तब तक आप बैग को ओपन नहीं करेंगे। हाफ एन आवर के बाद आप उसका रबड़ खोलिए और इजीली उसको बहुत सॉफ्टली फिश को अलाउ कीजिए एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए। चाहे उसमें 5-7 मिनट लगे उनको, सिर्फ आप बैग को उसमें खोल के रख दीजिए और वो आराम से अपने आप से शिफ्ट हो जाएंगी।
इसका मकसद ये रहता है कि पानी के अंदर आपका जो एक्वेरियम के अंदर पानी है और जो बैग के अंदर वाटर है, दोनों का टेम्परेचर सेम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर ये मिस्टेक होगी तो भी आपके फिश को दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, फिश का शिफ्टिंग, उनका ग्रुप का भी विशेष ध्यान रखेंगे। फिर उनका फीडिंग, अब कौन से फिश को कौन सा फीड देना चाहिए ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड भी कुछ एक वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं। मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी मैंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक क्लियर किया, जब मैंने ग्रुप के बारे में बताया है तो मैंने फीड के बारे में भी काफ़ी कुछ उसके अंदर आपको बताया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप फिश का फीड लेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके के फीड्स हैं, कौन सी फिश कौन सा फीड खाती है ये उसमें आपको ध्यान रखना होगा। फीड की क्वांटिटी बहुत कम रखी जाती है। जब आप फिश को खाना डालते हैं तब पूरा सिस्टम मेन से बंद कर दीजिए, आपका फिल्ट्रेशन, लाइट, ऑक्सीजन सिस्टम सब मेन से बंद कर दीजिए फॉर 2 मिनट्स और मैक्सिमम फॉर 5 मिनट्स। वो लोग इजीली फीड कर लेते हैं। उसके बाद आप 5 मिनट्स के बाद अपना पूरा सिस्टम ऑपरेट कर दीजिए। दिन में 2 बार खाना फिश को ज़रूर देना चाहिए। क्वांटिटी भी सब जितने भी जो आप पाउचेस लेके आएंगे या जो भी आप बॉटल्स लाएंगे फूड की, उन सब पे मेंशन रहता है कि कितनी फिश को कितना फीड डाला जाता है, उसी को इंस्ट्रक्शंस को आप पूरा फॉलो कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर किया इस वीडियो के अंदर कि आपको हाउ टू स्टार्ट अ न्यू एक्वेरियम। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वारीज डाल के पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा नंबर भी है इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा, उस पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है या कोई आपकी क्वारी है इससे रिलेटेड, तो आप इजीली पूछ सकते हैं वो चीज़। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि एक न्यू बिगिनर को कैसे अपना टैंक चालू करना चाहिए। आपने सारे पॉइंट्स क्लियर आउट कर दिए गए हैं। अब मैम आपकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार रहेगा, जिसमें आप और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैम की वीडियोस आती रहेंगी, तो आप भी हमसे कनेक्टेड रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।